अब मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले आप सभी महिलाएं अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने ले लो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी उसकी सातों बहू सहित उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे खाना खाने को बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए कहा। बहन बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलेगा तो उसे अर्घ्य देकर फिर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटों को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपनी बहन को भूखा नहीं देख पाए। उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा कि चांद निकल आया है तो अर्घ्य देकर भोजन कर लो। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसकी भाभी बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला मुंह में लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। माँ ने उससे कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना और जो भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। बेटी ने हामी भरी और अपने ससुराल चल दी और रास्ते में जो भी मिला वह उनके पांव छूती रही। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब वो ससुराल पहुंच गई तो देखा कि दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। उसने छोटी ननंद के पांव छुए तो ननंद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनने पर उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई और बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बोली, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो लोग बोले, ले चलो। वो भी पति के साथ शमशान चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार होने लगा तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी का कहा नहीं माना और अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव वालों और परिवार वालों ने ये फैसला किया कि रहने दो इसको यहीं पर, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहीं पर अपने पति को लेकर रहने लगी, अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननंद दिन में 2 बार खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ्य देती। जब चौथ माता ये कहती हुई आती, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले। उसने चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगे तो चौथ माता ने बोला, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सारी चौथे आई और वही बातें कहकर चली गई। जब अश्विन की चौथ माता आई तो उन्होंने कहा कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उनको प्रसन्न करो, उनको मना लो, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। जब कार्तिक माह की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननंद से 16 सिंगार, सुहाग का सारा सामान और करवे मंगाए। सास सोचकर बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है वो दे आओ। साहूकार की बेटी ने फिर करवा चौथ का व्रत किया और चांद को अर्घ्य दिया और जोत जलाई। चौथ माता खुश होकर प्रकट हुई और बोली, करवो ले 7 भाइयों की प्यारी, करवो ले दिन में चांद उगाने वाली, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ कर कहा, मेरा सुहाग वापस दे दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा।
तो उसने 16 सिंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति को छींटे दिए और उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर पैर मारकर गई और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननंद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वो दौड़ दौड़ कर छोटी ननंद के पास गई और बोली, देखिए बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाइए, सासू जी से बोलिए हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। ननंद हर्ष पूर्वक घर गई और माँ से बोली, मामा, भाई जीवित हो गए हैं। माँ ने कहा, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। बहन बोली, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जीवित हो गया है, भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। माँ गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँची। बेटे को जीवित देख कर माँ भावुक हो उठी। बहू ने कहा, देखिए माँ, आपका बेटा जीवित हो गया है, मैंने तो साल भर पहले ही खो दिया था, ये तो तेरी पूजा के प्रताप से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया, वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग का जीवन दान दिया, वैसे ही सभी को दीर्घायु का वरदान देना और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय चौथ माता की। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर करवा माता का केंद्र रखें। अब चौकी पर सीधे हाथ की तरफ थोड़े से चावल रखें और उस पर करवा रखें। करवे में जल भरकर उसे ढक्कन से ढकें और उसके ऊपर थोड़ी चीनी रख दें। अब इसके ऊपर घी का दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद करवा माता का तिलक करें और करवे पर भी तिलक करें। अब एक और लोटे में जल भरकर एक तरफ रखें। इसी जल से हम सूर्य को अर्घ्य देंगे और पहले करवे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अब करवा माता पर पुष्प या पुष्प का हार, फल, मिष्ठान अर्पित करें। अब आप एक थाली तैयार करें जिसमें सास के लिए साड़ी, सुहाग का सामान आदि रखें। अब करवा माता की कथा पढ़कर गणेश जी की आरती और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजा पूरी होने पर लोटे में रखे जल से सूर्य को अर्घ्य देना है और इसके बाद महिलाएं एक गिलास पानी, चाय, दूध इत्यादि पी लेती हैं। ये पूजा महिलाएं दोपहर के समय कर लेती हैं। पूजा करने के पश्चात शाम को चांद निकलने की प्रतीक्षा करती हैं। आज चांद निकलने पर चांद की पूजा और अर्घ्य देकर अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और पति के हाथों से ही अन्न ग्रहण करती हैं और इस प्रकार करवा माता की पूजा संपन्न हुई।